आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, गोरखपुर के माननीय सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी, गीता प्रेस ट्रस्ट बोर्ड के चेयरमैन श्री केशवराम अग्रवाल जी, जनरल सेक्रेटरी श्री विष्णु प्रसाद चांद घोटिया जी, ट्रस्टी श्री बैजनाथ अग्रवाल जी, ट्रस्टी पूनम चंद राठी जी, गीता प्रेस ट्रस्ट बोर्ड से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, गोरखपुर के सभी आगंतुक महानुभाव और उपस्थित भाइयों बहनों, नए भारत के निर्माता, भारत माता के महान सपूत, भारत को वैश्विक पहचान दिलाने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, महायोगी बाबा गोरखनाथ की इस पावन धरा पर गीता प्रेस के शताब्दी महोत्सव के इस भव्य समारोह में मैं प्रदेश शासन की ओर से, प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब ने पिछले 9 वर्षों में भारत की विकास की एक नई यात्रा के साथ साथ आस्था और विरासत को मिल रहे सम्मान और वैश्विक स्तर पर भारत को मिल रही नई पहचान को देखा है। ये नया भारत जिसमें समग्र विकास की अवधारणा चरितार्थ होती भी दिखाई दे रही है, तो साथ साथ भारत की गौरवशाली आस्था और विरासत को भी एक नई पहचान मिली है। हम में से हर व्यक्ति जानता है योग भारत की अति प्राचीन विधा रही है, लेकिन पहली बार योग वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई है। जब 21 जून की तिथि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विश्व योग दिवस के रूप में मान्यता देकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रस्ताव को वैश्विक मान्यता दी और वर्तमान में 180 देश भारत की ऋषि परंपरा के इस प्रसाद के साथ, इस उपहार के साथ जुड़ करके भारत के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। कुंभ को विश्व की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता देकर के प्रयागराज कुंभ को वैश्विक मान्यता दिलाने का कार्य 2019 में देश ने भी और दुनिया ने भी देखा है, और भारत की गौरवशाली आस्था के प्रति सम्मान और उनकी पुनर्स्थापना का कार्य किस रूप में होना है यह आपने बाबा विश्वनाथ के धाम को देखा होगा। काशी में बाबा विश्वनाथ का धाम हो या केदारनाथ में नई केदारपुरी, बद्रिकाश्रम में पवित्र बद्रीनाथ धाम हो या महाकाल में महालोक की पुनर्स्थापना का कार्यक्रम और 500 वर्षों के इंतजार को समाप्त करते हुए अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य, ये सभी एक एक करके आज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। गरीब कल्याण की योजनाएं जितना भारत के अंदर चल रही हैं, हुई हैं विगत 9 वर्ष में, आज़ादी के बाद कभी भी भारत के अंदर तो नहीं हुई, लेकिन दुनिया का कोई देश आज भी उस मात्रा में, उस पैमाने पर उन गरीब कल्याणकारी योजनाओं को आगे नहीं बढ़ा पाया है। गीता प्रेस अपने 100 वर्ष की एक शानदार यात्रा को लेकर के आगे बढ़ा है, और शानदार यात्रा में इन 100 वर्षों में
विगत 75 वर्षों में कोई प्रधानमंत्री गीता प्रेस में आज तक नहीं आ पाया, क्योंकि गीता प्रेस भारत की मूल आत्मा को झंकृत करता है, उसको जागृत करने का कार्य करता रहा है। और उसे पहली बार भारत के किसी यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा सम्मान दिया गया है, और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इसके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि 2021 के गांधी पीस प्राइज के लिए भी गीता प्रेस के योगदान को सम्मानित करने का कार्य आपकी अध्यक्षता में गठित जूरी ने किया। यह न केवल गीता प्रेस का बल्कि भारत की उस हर धरोहर का सम्मान है जो हमारी पहचान है और जो भारत को एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करता है। आज भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं 1923 में इस गोरखपुर में सरदेव सेठ जी श्री जयदयान गोयनका जी ने एक किराए के भवन में अपने कुछ सहयोगियों के साथ एक प्रेस की स्थापना की थी। उस छापाखाने को भी अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अवलोकन किया, और गीता प्रेस इन 100 वर्षों में अनेक उतार चढ़ाव को देखते हुए आज लगभग 100 करोड़ प्रकाशन करने की ओर अग्रसर है। भारत की विशुद्ध सनातन धर्म से जुड़ी हुई भारत की प्रत्येक भाषा का यह प्रकाशन आज भारत के लगभग हर घर में मौजूद है। यह हर भारतीय को गौरवान्वित करता है, उसके अपने मूल के साथ जोड़ने का कार्य करता है। एक ओर आस्था का सम्मान और दूसरी तरफ विकास की नई यात्रा को ध्यान में रखकर के देश के अंदर जो कुछ भी देखने को मिला है, ये तो गोरखपुर का वासी हर व्यक्ति जान रहा है। 30 वर्षों से बंद गोरखपुर का खाद कारखाना आज अपनी 110% क्षमता से कार्य कर रहा है। गोरखपुर में एम्स कोई सब कल्पना भी नहीं करता था, लेकिन वह भी आज साकार हुआ है और भव्य रूप से गोरखपुर का एम्स पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर बिहार और नेपाल के एक बड़े भूभाग को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। गोरखपुर में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियों के समाधान के लिए ICMR के एक रिसर्च सेंटर की स्थापना का कार्य इसी गोरखपुर में हुआ है। और यही गोरखपुर है, रामगढ़ ताल जो गोरखपुर की आपराधिक गतिविधियों का अड्डा था, आज शानदार सरोवर के रूप में अपनी एक नई पहचान बना रहा है। एक नई कनेक्टिविटी के साथ उड़ान योजना के अंतर्गत 2017 के पहले गोरखपुर में केवल एक फ्लाइट थी, आज 14 फ्लाइट गोरखपुर से चल रही हैं। और नए भारत की नई ट्रेन वंदे भारत के रूप में भी आज गोरखपुर से लखनऊ के लिए और जोधपुर से अहमदाबाद के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कुछ ही देर में प्रारंभ होने वाला है। भाइयों बहनों, ये अद्भुत संगम और सचमुच ऐसे महानायक का इस अवसर पर स्वागत और अभिनंदन हर भारतवासी का सिर्फ गौरव के साथ आगे बढ़ता है जब वैश्विक मंच पर भारत को मिलती हुई प्रतिष्ठा हम देखते हैं। पापुआ न्यू गिनी हो, फिजी हो, ऑस्ट्रेलिया हो या जापान हो, या दुनिया के दादा के रूप में माने जाने वाले अमेरिका के अंदर प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता, या दुनिया के किसी भी अन्य उस मंच पर, या भारत के 140 करोड़ लोगों के सिर को गौरव के साथ आगे बढ़ाता है और हर भारतीय को आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा भी प्रदान करता है। और इसीलिए तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने इस बात को कहा कि ददाचरित श्रेष्ठस तत् देवे तरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस तदनु वर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जिस प्रकार का आचरण करता है अन्य लोग भी उस प्रकार का आचरण करने लगते हैं, और जिस प्रकार का प्रमाण प्रस्तुत करता है वो अन्य लोगों के लिए यानी लोक के लिए भी वह एक नई प्रेरणा होती है। और आज ये नए भारत, ये नया भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अनुगामी बनकर के उनके मार्ग का अनुसरण करते हुए भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने के उनके संकल्पों के साथ कार्य कर रहा है।
हम प्रदेशवासी अभिभूत हैं, देशवासी अभिभूत हैं। विकास की इस नई यात्रा के साथ जुड़ने के लिए भारत की धरोहर को मिल रही मान्यता को लेकर के, भारत की आस्था को मिल रहे सम्मान को लेकर के, मैं इस अवसर पर एक बार फिर से प्रदेशवासियों की ओर से, गोरखपुर वासियों की ओर से, पूर्वी उत्तर प्रदेश को जो आपने एक नई पहचान दिलाई है, उन सब की ओर से आपका एक बार फिर से हृदय से आभार व्यक्त करते हुए स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिनका मार्गदर्शन प्रदेश के विकास के लिए हम सबको सदैव एक नई प्रेरणा प्रदान करती है। गीता प्रेस से जुड़े हुए ट्रस्टी बोर्ड को, जो सनातन धर्म की इस आवाज को साहित्य के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, शताब्दी महोत्सव के अवसर पर उन्हें हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए विश्वास करते हैं कि संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप यह प्रेस निरंतर 100 वर्ष की अपनी यात्रा को जिस प्रकार से, जिस शानदार तरीके से आगे बढ़ाया है, आगे की कार्य योजना को भी उसी तत्परता के साथ, उसी प्रतिबद्धता के साथ गीता प्रेस ट्रस्ट बोर्ड आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। पूरा समाज और पूरी सरकार आज आपके साथ में है, इस विश्वास के साथ मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।